बरसात में जो है बगीचे में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। अब इतना संभव नहीं है एक बागवान के लिए कि हमेशा खरपतवार को हटाया जा सके। जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसके बाद आप पूरे बगीचे की एक बार प्लॉइंग करें, उस दौरान आपके सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। प्लॉइंग करने के बाद पुनः देखें कि अगर कोई पेड़ हमारा रोग या कीट से आक्रांत तो नहीं है, अगर आक्रांत हैं तो उसका उचित उपचार करें। उसके बाद अक्टूबर के महीने में बगीचे की सफाई करने के बाद 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बॉर्डेक्स पेस्ट का लेप लगाएं और कटे हुए भाग को आप उसमें भी बॉर्डेक्स पेस्ट लगाएं। जो भी कीट और व्याधि से आक्रांत टहनियां या पत्तियां हैं उसको पुनः हटा दें। तो इस तरह से प्रक्रिया को अगर 2 बार अच्छे से सफाई और कीटनाशी और रोगनाशी का प्रबंधन करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, स्वस्थ फल मिलेगा और आपको चिंता की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारा आने वाले समय में क्या होगा। एक बात मैं ध्यान देने के लिए अवश्य बोलूँगी कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में लीची के पेड़ में कभी भी पोषण प्रबंधन ना करें। पोषण प्रबंधन जुलाई अगस्त के महीने तक ही समाप्त कर लें। हाँ, बगीचे की सफाई अवश्य करें, बॉर्डेक्स पेस्ट लगाएँ, कीट और व्याधि का प्रबंधन करें, लेकिन पोषण प्रबंधन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में नहीं करें। इससे होता क्या है, अगर उसमें आप पोषण देंगे तो पौधे में नए कल्ले, हरे कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे और फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। पत्ते तो पौधे तो आपके बड़े हरे भरे स्वस्थ दिखेंगे लेकिन उसमें फूल नहीं आ पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, अभी से लेकर के आप सितंबर अक्टूबर तक जो क्रियाकलाप है लीची में, वो उसकी जानकारी मैं दे रही थी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए आने वाले समय में या अगले साल में जो है आपका जो है अधिक उपज गुणवत्ता वाले फल के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको अधिक से अधिक आमदनी मिल पाएगी।